हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज है दूसरा नवरात्र। पहला नवरात्र बहुत अच्छे से गया और साक्षात माता रानी के जो है दर्शन करके आए, जागरण में से आए कुछ देर पहले ही। अभी सारे मिलके पूजा पाठ करेंगे तो साफ सफाई तो सब हो चुकी थी। तो चलो भाई, दूसरा अध्याय आज पढ़ते हैं। दूसरा नवरात्र है आज और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी, जय ब्रह्मचारिणी माता। आज के दिन इन्हें ब्रह्मचारिणी माता के रूप में पूजा जाता है। बच्चे स्कूल से आ गए और मैं ना ऊपर हूँ, आज उनके साथ प्रैंक करती हूँ। गाइस, बच्चे स्कूल से आ गए ना तो आते हुए पूछेंगे और ऊपर ही आने वाले हैं थोड़ी देर में, प्रैंक करूँगी आज बड़े वाला उनके साथ में। तो मैंने सारी लाइटें बंद कर दी। देखो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अभी कोई सवाल नहीं आ रहा। मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी जी, मैंने एक चीज दिखती। क्या? हमारे स्कूल में वाइल्ड एनिमल डे मनाया गया था और मैंने ये माला कैसे आई तेरे गले में? हैं, एक अंकल आ रहे थे पुलिस वाले हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में वाइल्ड एनिमल डे मनाया गया तो मैंने उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे पुलिस अंकल ने, तो मैंने बता दिया सारे क्वेश्चन। हैं सारे नहीं, एक क्वेश्चन बताया मुझे। बहुत सारे बच्चों को भी ऐसे ही माला मिली और पेन मिली मुझे भी। अच्छा, ये गुड मेरा बच्चो। ओले थैंक यू पापा जी, कहा है? लेकिन आरू सुना राज हो गया, कह रहा आइसक्रीम नहीं लेकर आए। भाई आइसक्रीम का देखो मौसम नहीं है अभी। तेरे पापा जी मुझे फनागर जा रहे, मुझे घर छोड़ गए, पूजा करके तभी चले गए थे। मुझे फनागर जा रहे, इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। सोच रहा कभी प्रैंक कर रहे हो। नहीं देख, मैं ब्लॉग एडिट कर लग रही, वो लगा रखा मन ने, मैं ही कर रही थी। चलो कपड़े चेंज करो, या क्या खा रही? लड्डू। ये देखो छोटा भीम, छोटा भीम। सीधा बैग रखते ही ऊपर ही आया, मुझे पता था मैं छुप गई थी पर्दे के पीछे। अरे समय दिखाई नहीं दी ना, तो उन्होंने कह रहा मम्मी पापा कहाँ गए, यहाँ तो कोई है ही नहीं, नीचे जा लेते। तेरी ऐसी चुटबड़ी पैर ज्यादा तेज है ना, ऐसा ही हुआ ना। गाइस अभी बजे हैं 4:30 शाम के और हम दोनों जने चल दिए अपने किचन गार्डन में। प्यारी सी किचन गार्डन को देखे हुए 2-3 दिन हो गए, तो मेरा तो जाना नहीं हो रहा, कम हो रहा। तो ये तो चले जाते हैं सुबह के टाइम में। तो चलो जी चलते हैं और जो हमारी क्यारी सूखी हुई होगी, जो भी पौधे, उन्हें पानी डाल के आएंगे। नुला की जरूरत होगी नुला करके आएंगे और फिर आकर जल्दी से खाना बनवा। तो अभी बच्चों का होमवर्क करा रही है प्रीति और माँ गई है कीर्तन में, क्योंकि गांव में घर घर जो है कीर्तन हो रहे हैं और माता रानी के, तो हम भी कराएंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं नए घर में पहले पूजा करा ले छोटी सी, और गुड्डू का बर्थडे भी हो जाएगा, पूजा भी हो जाएगी, और फिर जो है हम लोग कीर्तन करा लेंगे। 14 तक जो है 14 पूर्णिमा तक करा सकते हैं। दिन में तो ऐसी हो जाया जुड़सी के, सारी सरसों सारी मट्टी ढकली देख लो। हाँ पानी छिड़कवाओ, सही कह रहे हैं आप। और ऐसा बहन बीन देने की जब बूंद बांध पड़े तो है नहीं, ऐसा जमा कर रखेगी पूरी। देखो कितनी बढ़िया हो रही, भिंडी का पौधा ऐसा वहां भी नहीं जमा जैसा यहाँ जम गया। देख लो इस मिट्टी में वो जम रहा है, एक ही है तो वहाँ भी नहीं, ऐसा एक भी नहीं जमा वहाँ से। देख लो जितना स्वस्थ ही जम रहा, बिना गौर किए की खेती, बिना गौर करे। और देखो भिंडी आनी भी शुरू होगी गुड्डू के पापा। हाँ देखो, ये देखो है भी बढ़िया होगा, चौखा होगा काम। और एक चीज और सोच रही थी मैं आज, हमारी भैंस और गाय यहाँ बंद है, उन्हें पता नहीं है खाने क्या ये वाला, उन्हें ये पता ये कुछ और सामान है, उन्हें ये पता घर में नहीं हो सकता खाने का सामान के लिए। मैं नहीं सोच रही, मगर इन्हें पता नहीं क्या, मुझे तो ये मूली लग रही है। देखो ये मूली लग रही, ऐसी लग रही है इसके पत्ते। हो
ये मन्ने मूली बोई थी कभी उसमें की मिट्टी आ गई हो, वो पुराने वाला बीज बोया था। इसमें भी कितनी वैरायटी। हाँ इसमें वो भी है, ये क्या बोल रहा है, ऐसा कंदूरी सी हमें भी देखो रही है बेल। सरसों भी दो डाल की है इसमें। छोटू कुछ उगा देंगे एक दिन, छोटू का चारा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। नहीं फल आओगे पता। हाँ ये तो बात है। पानी की बोतल कहाँ दे रहा या वहाँ रखो, छाव में लाऊ मुझे दे, मैं रखूंगी से। ये पानी की बोतल रख देते हैं छाव में ताकि ये पानी गर्म ना हो हमारे पीने का, क्योंकि बहुत सारी मेहनत हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर अभी। ओ तितली निकल गई अभी मेरे सामने से, इसमें पानी देना, ये भी सूख गया। हाँ बड़ा पाइप चलाऊंगा, बड़ा चलाओ, बड़ा चला लो, बड़ा चला लो आप, जरा सी देर में काम हो जाएगा सारा, चला लो ये भी बढ़िया भर जाएंगे। सबसे पहले बोया हुआ पालक कुछ इतना हा जमा, ये देखो ये जम रहा, और इसका जो है अभी जब टाइम लगेगा ना वो करेंगे खुदाई करेंगे इसकी, नूला बोल रहे हैं जिसे, क्योंकि इसमें जो है एक्स्ट्रा घास भी होने लग रही। इसमें आज पानी दे देंगे, ये सूख गया। और इधर मूली, मूली में स्कैम हो गया हमारी साथ में, हमने बोई थी बहुत अच्छे तरीके से और ये छिद्दी छिद्दी खड़ी। पालक में तसल्ली है हमें, इस वाले में भी और उस वाले में भी जो दो क्यारियों में बोया था इन्होंने। अभी हम चकुंदर देख रहे थे लेकिन मैं इन्हें कह रही एक बार इनमें पानी ज्यादा सा भर दो, क्या पता निकली ना हो, तो मुझे तो कोई आधा पेड्डा दिखाई दे रहा है चकुंदर का। देखो जैसे ये है वाला लाल सा है, और ये कह रहे चकुंदर तो खूब निकल रही, दोबारा बोने को कह रहे, थोड़ा सा बीज बचा हुआ है ना। मैंने कहा दोबारा जब बोएंगे जब ये निकलने के नहीं, पहले इसमें पानी भर दो, फुल कर दो इसे पूरी क्यारी को। और इधर कद्दू देखो कई सारे लग रहे, अभी तोड़ नहीं रहे, हम भरती हैं और बच्चे खाते नहीं, हमारी साथ में तो बच्चे लपेट ही ले। किन लोगों जो कहे उन्हें बना दे ये सब्जी, वे मना कर दे एकदम से। बढ़िया लगा है लेकिन देखने में, मैं तो ये सोचो जाऊंगी बस नुई लगे रहे इन्हें तोड़े न पड़े। कल इन्हें भी कह रही थी मैं गुड्डू के पापा को, मैं कहा मैं तो ऐसा मन करा इन्हें तोड़े भी ना जैसे, लेकिन सब्जी है तोड़नी तो पड़ेगी। चलो भाई अभी जो है गोभी में फूल आना शुरू नहीं हुआ, और करवा चौथ का वादा कर रखा, करवा चौथ पर अपनी ऑर्गेनिक उसमें से गोभी तोड़ के बनाओगे, पता नहीं फूल आवेंगे या नहीं आवेंगे। अब ये पता नहीं क्या जुगाड़ करेंगे इसमें, देखो करने वाले तो कुछ अच्छा इस तरीके से चलाओगे क्या, ये क्या कर रहे, फिर परा घुमा दोगे इसे। ये देखो जुगाड़बाजी, ये यूपी वाले कुछ भी जुगाड़बाजी कर लेगा, इनमें भी ऐसे ही है। जो नीला पाइप लगाया ना उसमें धीरे धीरे पानी चला है थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं सोच रही जल्दी से ही भर जाए सारे के सारे तो और भी अच्छा है, और उसमें टाइम लगेगा। अभी तो करी पत्ता में लगाया पानी सबसे पहले, क्योंकि वो भी सूखा हुआ था, नहीं करी पत्ता में नहीं बेल में लगा दिया इन्होंने, कद्दू वाली तोरी वाली जो है, और नु कह रहे इसके नीचे खुद जाता पहले गिल्ला गिल्ला, क्योंकि अभी जो है सूख गई पूरी का पूरा वो जमीन। अच्छा इस दर से किस तरीके से चलाओगे इसमें, ये तो डोली बननी, चढ़ जाएगा उसमें पानी चकुंदर वाली में, इधर से चढ़ेगा। तो भाई देखो ट्यूबवेल भी चलानी थी और वो बड़ा वाला पाइप था नहीं जो हम फैला दें पूरे यहाँ गार्डन में, और ये जुगाड़ करा मैंने, ये देखो ये पाइप उठा लाया था मैं, हालांकि इसके साइज का नहीं है लेकिन जुगाड़ देखो क्या मस्त करा। आप भी देख के बताइए भाई, इधर से वो सपोर्ट लगा दी और इसमें इसे फिट कर दिया, और देखो वहाँ पे ट्यूबवेल की धार वहाँ पे पड़ रही है, तो पानी जो है पाइपलाइन के द्वारा देखो चल पड़ा है अपना, तो सिंचाई हो जाएगी एकदम फन्ने काम मस्त वाली, तो जल्दी भी हो जाएगी। तो भाई चलो ट्यूबवेल देखो कैसी बना दी मैंने, है नहीं बढ़िया पाइपलाइन का जुगाड़ कर दिया ये नहीं मिट्टी पहले लगा दी थी ताकि सड़क पर पानी ना आ गया, उधर से थोड़ा सा मुझे अब वो करना पड़ेगा, देखो पानी जहाँ जहाँ पे लीक होगा वहाँ पे मिट्टी लगा देंगे। तो गाइस इनमें पानी आ गया और ये भी पूरा फुल कर देंगे, अब खोद कर नु कह रही वाकई ये तो सारा सूख रहा, मैंने कहा इसे पानी से तर कर दो तभी तो बीज जमेंगे जब इनमें थोड़ी सी तरावट जाओगी, और मैं चेक कर रही टाइम टाइम से बताती रहूंगी। और इधर देखो बैंगन का साइज, ग्रीन वाला बैंगन बढ़िया हो रहे भाई, इधर ये तीनों पेड्डे जो है ग्रीन वाले के ही है, और ये हमने जो है ना वैसे ही लगा दिए थे, इसमें से तीन छोड़ दिए थे, अब हमें ये नहीं पता था ये जैसे ही एक जगह लग जाएंगे, ये ग्रीन वाले एक छोटा हौरले वाले पे आ रहा दो परले वाले पे, अभी तोड़ ही नहीं रहे हम, पानी इसमें भर गया कद्दू में दोनों में, और इसमें भर जाएगा साथ के साथ। फिर उधर के लिए देखो वो बना दी नहर छोटी सी, छोटा हक कट बना देंगे उसमें और इसे पूरा तर कर देंगे आज, अब तीन चार दिन बाद फिर पता चल जाएगा। देख रहे पूरे ध्यान से, उधर ट्यूबवेल चल रही हमारी वह चल रही, देखो पाइप किसी का जा रहा, इधर ले वाले में तो बहुत नमी है इसमें तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन परा देना पड़ेगा, परला बिल्कुल सूखा पड़ा। मूली के बीज कम जमे तो जहाँ जहाँ नहीं जमे वहाँ जमाने की कोशिश करेंगे, ये देखो इस तरीके से रोपने की। हाँ और ये पेड्डे बड़े हो जाएंगे, अगेती और पचेती हो जाएगी, दोनों तरह की हो जाएगी, चलती रहेगी।
और ये पहले इसमें मन्ने बोई थी उसमें इन्होंने बोई थी, इनके अपने हाथ इसमें पूरे में लगा रही, कह रही सब पूरे खोद दो क्या। मन्ने कहा इसमें पूरे में तो खोद दो ना, ऐसा करो जहाँ जहाँ नहीं बीज है जमे वहाँ वहाँ जो है अपना बो दो। तो इस तरीके से होंगे। ब्रोकली का भी अच्छा रिजल्ट है और गाजर का भी, उधर मेथी का, अभी उसमें से धनिया नहीं जमा। और ये देखो सबसे पहला जमा है तो ये पालक, ये दोनों क्यारी पालक की है और डोलियों पर लगा रखा इसमें मैंने धनिया, धनिया भी होने लग रहा भाई। और इधर इनमें गोभियों में पानी दिया जाएगा। चाचा जी इसमें क्यों नहीं छिड़का डोलों पर, डोलों पर तो इनके धनिया बो रखा हमने, डोलियों पर भी दे दियो। तो छोटा पाइप भी लग रहा और ट्यूबवेल भी चल रही, उधर देखो वो चल रही लगातार जब से। और जो हमने चुकंदर में पानी दिया था ना थोड़ी सी देरी लगी, एकदम खत्म उसमें से। चाचा जी कह रहे कभी कहीं कूड़े खुले हो, कहीं तो पता नहीं कहाँ चला वो पानी, पर वो तो बिल्कुल खत्म हो गया एकदम। सत्तर कर दी हमने क्योंकि कई दिन तक फिर हम बिजी रहेंगे ना, गुड्डू का चिंकी का बर्थडे है, तो इस वजह से आज इनमें जो है पूरा पानी भर देंगे और ब्रोकली लगाने की जगह बनाऊंगे। अभी तो वैसे ना होने में टाइम लगेगा। तो गाइज अभी मैं घर चलती हूँ, चाचा जी है इनके साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं, दो जने अच्छे से कर लेते हैं काम एक दूसरे को बता के। और कल से गाड़ी पे भी कवर नहीं डाला, आज भी बस ऐसे ही व्लॉग बनाने के वीडियो के चक्कर में जो है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है हम लोगों का। तो चलो भाई चलती हूँ मैं, और थोड़ा सा ना आज पेट में मेरे दर्द हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा बार बार, ऐसा तो मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं, व्रत है मेरा। चलो भाई गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, नहाएंगे और फिर जो है पूजा पाठ करेंगे। ये अमरूद खा रही नंदनी और माँ खीरा कसरी, ये सेब खा रही, खीरा कसरी, सॉरी बेटा मेरे मुंह से निकल गई, प्रीति इनके लिए खिचड़ी बना रही उधर, ये देखो फिर जो है पूजा पाठ करेंगे। हाँ पीली खिचड़ी पसंद है ना तुम्हें दही के साथ में, ये आलू बॉयल हो गए, ये कुट्टू में मिलाए जाएंगे, नवरात्रि स्पेशल खाना बनेगा, स्पेशल तो कुछ नहीं है, तला गुना हम खाते ही नहीं बचना मिला। हाँ जब तो कह रही मैं भी पराठे से बना दिए बस, रात मिलाया था प्रीति ने, बताऊँ क्या नहीं, पलेथन तो जो बना है ना वे टाइट से हो जावे, और कुछ आटे का फर्क रहे है, क्वालिटी का भी तो फर्क रहे है, यहाँ का आटा ऐसा थोड़े ही नाम है। बिलाओ बोले आ जा जा इसके साथ डांस करिए डोरी मोंड के ना, और इसके का कौन है यो? कर दे चल, अच्छा कर दे, ये देखो कौन है वो, कर दे चल क्या दे वैसे, अरे कौन है सही के, पुरानी वीडियो दिखा रही थी यार उसको, तो यार उसको कहने लगा जब वहां साकुंभर गए थे नुगो देख कितने बड़े बड़े बाल है इसके, तो इनने एकदम रिप्लाई दिया, इनने कुछ कहा, कहने लगे हाँ अपने तो देख ले पहले, और उसी को तो बाद में बात बना लिए ठीक है वो पड़ी, अरे इनने छेड़ दी थी अभी काम जुड़ गया था यहाँ, ये अली अल्लाह तेरा दूध जब तक कहने लग रहा था मुझे, अरे दूध पी के पाँ बीच दिए, दवाई नहीं लीन, और दवाई कहाँ इसकी, अरे सारी चीज माँ ही लाई तेरी, पानी कम पिया इसके मुँह में तो बदबू आवे, पानी नहीं पीता सारा दिन, थोड़ी थोड़ी ही देर में पानी पीता रह कर, देखो करल लगी एक्सरसाइज, बस रहने दे तुझे नहीं जरूरत है।